तो जी सब्स कीमा की रिक्वेस्ट बहुत लोगों ने की और मैं ये रेसिपी आपके लिए लेके आ गया हूँ। मैं हूँ आपका अपना शेफ अरफान और एकदम खुश मिजाज तरीके से आपके लिए ये चीज बनाएंगे। सबसे पहले क्या करना, ये लेना, ये ठीक है, ये है मिक्सर का जार। तो इसको थोड़ा कीमा कर देते हैं गोभी को, आप ग्रेट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हमने बिल्कुल बारीक तरीके से कीमा बना दिया गोभी का, ये देखिए। अब ग्रीन पीस ले लेते हैं, इसका भी कीमा बना लेते हैं, अलग अलग बनाइएगा। ये लीजिए, इसको भी निकाल लेते हैं। अब थोड़ा गाजर, लगभग एक गाजर लिया, 5-6 फ्रेंच बीन्स लिए हमने, इनको घुमा लेते हैं। ये लीजिए, इसको मिक्स कर लेते हैं, गाजर, फ्रेंच बीन्स। जब भी आप मिक्सी चलाएं ना इसके लिए, तो पल्स और पहले वाले नंबर पे चलाइएगा, इधर उधर करके एक साथ चला के छोड़ मत दीजिए, क्योंकि सब्जियों में से पानी निकल जाएगा। कढ़ाई ले लेते हैं तेल। अब कढ़ाई में जीरा एक छोटा चम्मच, इसमें अब हम डालेंगे लहसुन 1.5 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ, ठीक है जी, और अदरक। जीरा यहां भून रहा है और ये दोनों भी भाई साहब यहां आपस में बात करके भून जाएंगे। वाह, प्याज डाल लेते हैं, एक बड़ा प्याज चॉप करके डालें, मीडियम साइज है तो 2 डालें, और इनको हल्का ब्राउन करना है। प्याज ब्राउन हो रहे हैं और ये जो सब्स कीमा मसाला बन रहा है, कीमा या नॉनवेज नहीं है, सब्स सब्जी का कीमा है, राइट, मिंस की है हमने सब्जियां। बहुत सारे तरीके हैं, फॉर एग्जांपल कई बार आपके घर में सूखी सब्जी बच गई, पुरानी सब्जी है, आप उसको कीमा करें, फ्रेश सब्जियों के साथ मिला के आप बढ़िया कीमा बना सकते हैं सब्ज वाला, ठीक है। तो ये चीज़ें आप बढ़िया कर सकते हैं। कई बार ऐसे भी होता है कि गोभी जो है ना खराब हो गई, फूल गोभी लाए, ऊपर से थोड़े से दाग पड़ गए, तो ऊपर वाला ट्रिम करें, फिर ग्रेट कर लें और फिर ये सब्जी बना सकते हैं। तो इस तरह से आप ये कई ऑप्शंस यूटिलाइज कर सकते हैं। लीजिए ये प्याज, लहसुन हल्का सा ब्राउन, इसमें आप टमाटर डालेंगे, तो इसमें टमाटर ज्यादा डालेंगे, 3 टमाटर डालेंगे बड़े वाले, ठीक है, और साथ ही साथ हम डालेंगे नमक शमक डालिएगा जरूर, क्योंकि ये क्या है, ये बिल्कुल एनर्जी वाली बात है। और इसके साथ साथ ही मैं यहाँ कैप्सिकम डाल देता हूँ। अब ये आप सोचिए मत कि ये पाव भाजी बन रही है, बिल्कुल पाव भाजी नहीं बन रही है, सब्स कीमा मसाला बन रहा है, और वो भी वेजिटेरियन है ये, मैं बार बार ये आपको बता दूं। टमाटर डालने के बाद वापस 3-4 मिनट तक भूनेंगे अच्छे से। अब हम यहाँ पे सब्जियां डाल लेते हैं, ये सारी सब्जियां, तो आपने देखा था हमने सारी सब्जियों को कैसे कीमा किया था, राइट, तो ये कीमा डल गया सब्जियों का। अब इसको पकाएंगे सब्जियों को, तो सब्जियां जो है कम से कम 4-5 मिनट तक पकाएं, उसके बाद हम मसाले डालेंगे, पहले मसाले नहीं डालेंगे। चलिए 4-5 मिनट पकाने के बाद हरी मिर्चें, 2 नग हरी मिर्चों का डाल लेते हैं, लाल मिर्च पाउडर 2 छोटे चम्मच, 1.5 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर का ये डाल लिया, थोड़ी सी हल्दी यानी 1/2 छोटा चम्मच हल्दी का डाल लिया, मसाले डाल गए। अब इसको हम वापस भूनेंगे, तो 4-5 मिनट और भूनेंगे। इसमें लगभग 1 कप पानी, ठीक है, साथ ही साथ मैं गरम मसाला डाल लेता हूँ 1 छोटा चम्मच, ठीक है,
धनिया 2 बड़े चम्मच, पुदीना के पत्ते, ये ज़रूरी है। देखिए अब आपको समझ में आ रहा है, नहीं 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 ये पाव भाजी जैसा टेस्ट नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा जी, क्योंकि पाव भाजी तो बन ही नहीं, बन तो रहा है मतलब यहाँ पे सब कीमा मसाला सारी चीज़ें हो गई है। देखिए यहाँ तक अगर आपने ऐसे ही रखना है तो बिल्कुल ये तैयार है, थोड़ा सा लेमन जूस डालेंगे और ये बिल्कुल सेट हो जाएगी। लेकिन अगर आपको पंजाबियों वाली फीलिंग आती ना तो क्या करना मैं वो बताता हूँ। सबसे पहले नींबू पहले डाल लेते हैं, राइट। तो ये 2 नींबू के वेजेस ये लिए हमने डाल दिए, पूरी सब्जी में बढ़िया खटास आएगी, मज़ा आ जाएगा। मिक्स कर लें, राइट कंसिस्टेंसी आई एम गेटिंग, वाह जी वाह क्या बात है। अब वो पंजाबियों वाली फीलिंग, थोड़ी सी क्रीम 2 बड़े चम्मच ये डाल दिया, वाह अब इसमें मज़ा दुगना। थोड़ी सी चीज़ ये डाल लें, मज़ा दुगना से दुगना हो गया, राइट। ये बढ़िया हो गया जी सब कुछ, सब्जी बढ़िया लग रही है, बढ़िया पका भी लिया हमने। ये है हमारा सब्ज कीमा मसाला, ये तैयार हो गया भाई। प्योर वेजिटेरियन डिश है, नॉन वेजिटेरियन नहीं है, मैं आपको बता दूं। और ये इतनी मज़ेदार चीज़ तैयार हुई है, पूछिए मत, ये लीजिए वाह। अब हम इस पे थोड़ा सा घी डाल लेते हैं, ये लीजिए थोड़े ताज़े पुदीना के पत्ते, और पराठे शराठे लेके आओ जी, सब्जी तैयार हो गई है और हम भी तैयार हो गए आपके लिए, बना दिए हमने बढ़िया सब्ज कीमा मसाला, परिवार को बना के खिलाइए, जस्ट अमेजिंग।